इतना बड़ा कार्यक्रम अभी सरकार का था, छत्तीसगढ़ सरकार का एक भी मंत्री भी नहीं आया, मुख्यमंत्री भी नहीं, उपमुख्यमंत्री भी नहीं। आप कहिए भैया, आपकी भलाई के काम में ये सरकार ने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये आपका अगर भला चाहते हैं तो वहां आकर के बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? नहीं आते हैं। इसके दो कारण है। एक, उनको सरकार जाने की इतनी चिंता है, इतनी चिंता है कि उनके पास यहां आने के लिए समय ही नहीं है, सरकार बचाने में लगे हैं। और दूसरा कारण है, ये मोदी है। अगर मोदी के सामने जाना है तो कोई आकंठ भ्रष्टाचारी मोदी से आंख नहीं मिला सकता है, और इसलिए वो आने से डरते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये हमला उस वक्त हुआ जब चुनाव छत्तीसगढ़ की दहलीज को चूमने वाला था। तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ, लेकिन बयानों की धार बताने लगी थी कि ये चुनाव कैसा होने वाला है, बयानों के तीर कितने गंभीर होंगे और ये तीर कितने धारदार होंगे। हुआ भी कुछ ऐसा ही छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में। जब सियासी योद्धा मैदान में उतरे तो हर तरकश में हजारों तीर थे और दोनों तरफ से बयानों के बाण चलाने में ना तो किसी ने कोई रहम किया और ना ही कोई गुंजाइश छोड़ी। तो चलिए गढ़ की लड़ाई में चले बयानों के तीर के कुछ नमूने दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ जहां मुखिया भूपेश थे और जब बात चुनावी लड़ाई की आई तो सबसे ज्यादा तीर भूपेश पर ही चले। प्रधानमंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि अब एक मुख्यमंत्री का विधायक बनना भी मुश्किल हो रहा है। यहां के मुख्यमंत्री, उनके राज्य में सुपर सीएम और उनके चहेते अफसरों ने जो जुर्म किया है उससे भी लोगों में रोष है, और उनके बेटे ने सुपर सीएम बनकर जो कारोबार चलाया है उसके कारण ये नौबत आ गई है कि ये मुख्यमंत्री एमएलए बनना भी मुश्किल हो गया है। हर घर में गुस्सा है। नरेंद्र मोदी के हमले रुक नहीं रहे थे। इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के तर्कश से भी तीर बरसने लगे। भूपेश बघेल के हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, खाने के लिए भ्रष्टाचार और दिखाने के लिए माताओं को प्रति माह 500 रुपए दूंगा, भूमिहीन लोगों को जमीन दूंगा, नौजवानों को भत्ता दूंगा। गृह मंत्री अमित शाह ने जब छत्तीसगढ़ का रुख किया तो बयानों के बम बरसाने में कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने सीएम भूपेश बघेल को दिल्ली कांग्रेस का एटीएम बताकर जमकर निशाना साधा। ये भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के खजाने को एटीएम बनाकर ये दिल्ली के भाई बहन को चरणों में डालने का काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ को लूटने का काम कर रहे हैं। जिनके मन में अपने प्रदेश की गरीब जनता के लिए भलाई न बसी हो, अपने प्रदेश की गरीब जनता के विकास करने की जगह जो व्यक्ति अपनी राजनीति का विकास करना चाहता हो वो छत्तीसगढ़ का कभी भला नहीं कर सकता, छत्तीसगढ़ को आगे नहीं।
चुनावी समर में लड़ाई सत्ता के सिंहासन की थी, जिस सिंहासन पर भूपेश विराजमान है। बीजेपी उस पर कब्जा करने के इरादे से मैदान में उतरी, कई हमले किए, वार किए। पीएम मोदी ने कांग्रेस सरकार को चला चली की बेला बताया तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भूपेश सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। और कांग्रेस भी ये समझ गई है कि अब चला चली की बेला है, चला चली की बेला है। अब कांग्रेस सरकार कुछ दिन का ही खेला है। भूपेश बघेल, मैं आज कह कर जाता हूं, पंडरिया में आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और सरकार बनते ही पाई पाई जो आपने छत्तीसगढ़ के दलित आदिवासी और पिछड़ा समाज की खाई है वो पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का आपको वादा है। इधर सीएम भूपेश भी पूरी लड़ाई को बारीकी से देख रहे थे और उनके तरकश से निकला तीर प्रधानमंत्री की ओर ही चला और कहा कि अहंकार किसी का नहीं रहा। उन्होंने जनता को गाली दी, हमारे नेता को उन्होंने गाली दी और मोदी जी को इतना अहंकार हो गया कि अपने सामने किसी को समझते नहीं। और ये अहंकार रावण का नहीं रहा तो मोदी का ही अहंकार कहां टिकेगा। भूपेश बघेल मैदान संभाले हुए थे तो दिल्ली से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी तरकश में कई तीर लेकर छत्तीसगढ़ के चुनावी समर में कूदे और एक के बाद एक कई तीर बीजेपी पर छोड़ते चले गए। नहीं भाइयों बहनों, वो सच बोल रहे हैं। मोदी जी की गारंटी का मतलब अदानी की गारंटी। मोदी जी की गारंटी है जो अदानी जी चाहेंगे छत्तीसगढ़ में जो भी वो करना चाहेंगे, किसानों की जो भी जमीन उनको चाहिए, जो भी खदान उनको चाहिए, जो भी स्टोरेज की फैसिलिटी उनको चाहिए, जो भी कोयला की खदान उनको चाहिए, मोदी जी की गारंटी है अदानी जी को वो दे देंगे। आपके प्रदेश को देख के लोग कहते हैं छत्तीसगढ़ का मॉडल गुजरात मॉडल से कहीं अच्छा है। वो तो दिखावे का मॉडल था, उसमें सब सुनहरा दिखता था, लेकिन हमने देख लिया है कि क्या हुआ। देश में इन्होंने यही मॉडल लागू किया, सारी संपत्ति उठा के अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को दे दिए, बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ाई, किसी को राहत नहीं दी, चाहे किसान हो महंगाई से जूझ रहा है। छत्तीसगढ़ के चुनाव में जाति का मुद्दा भी जमकर गूंजा। कांग्रेस ने जातिगत जनगणना की बात कही, ओबीसी की बात कही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस जातियों में बांटना चाहती है, जबकि वो तो गरीबी को ही सबसे बड़ी जाति मानते हैं। भागीदारी देनी है दलितों को, आदिवासियों को, बागी महिलाओं को भागीदारी देनी है तो कास्ट सेंसस करवाना ही पड़ेगा। और अगर नरेंद्र मोदी जी कास्ट सेंसस नहीं करवाएंगे तो जैसे हमने कहा था यहां पे, जैसे ही हमारी सरकार आएगी पहला कदम कास्ट सेंसस होगा और ओबीसी को जो भागीदारी मिलनी चाहिए वो कांग्रेस पार्टी करके दिखाएगी। कांग्रेस किसी भी कीमत पर देश के हिंदुओं को बांटकर भारत को तबाह कर देना चाहती है। कांग्रेस गरीबों को बांटना चाहती है। मोदी ने पिछले 10 साल में सारी योजनाएं ऐसी बनाई ताकि गरीबों में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है। और मेरे लिए तो इस देश का गरीब यही सबसे बड़ी जाति है, यही सबसे बड़ी बिरादरी है।
अगर गरीब का भला हो गया, देश का भला अपने आप हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में ईडी, सीबीआई, आईटी और अडानी के नाम पर भी जमकर तीर छोड़े गए। उनकी सरकारें जो हैं, बड़ी बड़ी बातें करती हैं, मगर अंत में अडानी जी की वो मदद करते हैं। आप देखिए, देश की हालत देखिए। बघेल जी ने कहा खदान अडानी जी को दी जाती है, एयरपोर्ट अडानी जी को दी जाती है। तो जो भी वो करते हैं अडानी जी के लिए, देश के सबसे बड़े दो तीन उद्योगपतियों के लिए करते हैं, और जो भी हम करते हैं हम किसानों के लिए करते हैं, मजदूरों के लिए करते हैं, आदिवासियों के लिए करते हैं, दलितों के लिए करते हैं, पिछड़ों के लिए करते हैं। सीधी सी बात, सीबीआई को बुलाती है, ईडी को बुलाती है, इनकम टैक्स को बुलाती है, किनके ऊपर? सिर्फ ना सिर्फ कांग्रेस के वर्कर्स, कांग्रेस के नेताओं पे, बीजेपी के लोगों के ऊपर नहीं कर रहे। बीजेपी में तो बहुत पैसे वाले लोग हैं, कांग्रेस को एक सत्ता से दूर रखने के लिए आप ये काम कर रहे हैं। इनके जो मजबूत जो ये है विंग है वो आईटी और ईडी है। मैं कल भी कहा था ईडी भाजपा है, भाजपा ही ईडी है ना, अब आईटी और जोड़ लीजिए। छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार बनी तभी से ढाई ढाई साल का फॉर्मूला सियासी गलियारों में हमेशा सुर्खियां बटोरता रहा, और जब चुनाव आया तो मोदी ने भी इसे भूलने नहीं दिया। जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी थी तब मुख्यमंत्री के पद के लिए ढाई ढाई साल का एग्रीमेंट हुआ था। अब ऐसी पार्टी जहां बंटवारे के एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन पहले ढाई साल में ही मुख्यमंत्री जी ने इतना लूटा, ढाई साल में इतना भ्रष्टाचार किया, लूट के पैसों का अंबार जमा कर लिया। और जब ढाई साल पूरा होने पर आए तो तिजोरी दिल्ली वालों के लिए खोल दी, खजाना खोल दिया, हर एक को खरीद लिया, दिल्ली के नेताओं को खरीद लिया, और एग्रीमेंट धरा का धरा रह गया। चुनाव शबाब पर आ चुका था, बयान तीखे और धारदार होते जा रहे थे, चुनावी समर में उतरे योद्धा भी जैसे आपाक होते जा रहे थे। आसाम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा के बयान कुछ ऐसी ही गवाही दे रहे थे। राम मंदिर के बहाने आसाम के सीएम ने ऐसा तीर चलाया जिसका निशाना कांग्रेस, गांधी परिवार और सीएम भूपेश बने। भूपेश बघेल जी और कमलनाथ जी को मेरा ओपन चैलेंज है, अगर आप लोग चुनावी हिंदू नहीं है, एक बार के लिए रामलला का सामने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लेके जाइए, मैं मानूंगा कि आप सचमुच कांग्रेस में कुछ बसे कुसे हिंदू नेताओं का बीच। भाषा मर्यादाओं के तटबंध तोड़ने लगी थी, लिहाजा सीएम भूपेश बघेल ने भी उसी अंदाज में पलटवार किया और हिमंता बिस्वा सरमा के साथ पीएम मोदी को भी घेर दिया। हिमंता बिस्वा सरमा जी हिंदू हैं, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी हिंदू हैं, और हिंदू धर्म के आधार पर यदि माता या पिता की मृत्यु हो जाए तो पुत्र है उस बाल देते हैं, फिर मुड़ाते हैं। अब हेमंत बिस्वा सरमा जी से कहना चाहूँगा, मोदी जी तो सर मुड़ाए नहीं, उसकी माँ जी के देहावसान होने के बाद
अब हेमंत विश्व शर्मा जी से ये कहूंगा कि वो नरेंद्र मोदी जी के मुंडन करा ले, अभी तक नहीं कराए माता जी के जाने के बाद, तो उसका मुंडन कराएंगे तो मैं हेमंत विश्व शर्मा को हिंदू मानूंगा। राम और सनातन से शुरू हुई जुबानी जंग थमी भी नहीं थी कि सियासत में अकबर और बाबर की एंट्री हो गई। एक अकबर अगर एक जगह में आते हैं, वो अकबर 100 अकबर को बुला के लेके आते हैं, वो बात भूलिए मत। इसीलिए जितना जल्दी हो सकता है वो अकबर को आप लोग विदा कीजिए, नहीं तो ये माँ कौशल्य का भूमि अपवित्र हो जाएगा। इसीलिए जितना जल्दी हो सकता है ये अकबर को विदा कीजिए। कांग्रेस ने बाबर को मारा, भूपेश बघेल को, भूपेश बघेल ने अकबर को मारा और हम प्रभु सिर्फ का मंदिर बनाए। यही है कांग्रेस और बीजेपी का डिफरेंस, यही है कांग्रेस और भाजपा का बीच में जो डिफरेंस दिखाई देता है वही दिखाई देता है। नेताओं के सियासी तर्कश में हर मुद्दे पर तीर थे। गृह मंत्री अमित शाह तो निशाना साधने में माहिर माने जाते हैं, कई तीर छोड़े तो गोबर को भी ब्रह्मास्त्र बनाकर कांग्रेस सरकार पर छोड़ दिया। जरा घोटाला किया दो, जरा ध्यान से गिनना माताएं बहने आप भी गिनना। शराब घोटाला किया 2000 करोड़ का, कोयला परिवहन घोटाला 540 करोड़ का, गोठान घोटाला 1300 करोड़ का। मैं इतने लंबे समय से राजनीति में हूं, 1980 से मैंने गाय के गोबर में पैसा खाने वाला आदमी मेरे जीवन में नहीं देखा है। रोड में खाने वाला देखा, कोयले में खाने वाला देखा, बिजली गाय के गोबर, क्या दिमाग दिया है उनको भगवान ने। अरे राम, इन दिनों सियासत में कमीशन की चर्चा भी खूब हो रही है। चुनाव कहीं भी हो, कमीशन का जिक्र हर कहीं हुआ तो कमीशन का तीर छोड़ने का काम पीएम मोदी ने किया। आप यहां सरकारी दफ्तरों में जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं, पूरा छत्तीसगढ़ क्या कह रहा है, गरीब से गरीब मेरा छत्तीसगढ़ी क्या कह रहा है, पूरा छत्तीसगढ़ एक ही बात कह रहा है, जब सरकारी दफ्तर से निकलता है तो एक ही बात बोलता है, 30% कक्का, आपका काम पक्का, 30% कक्का, आपका काम पक्का। कांग्रेस की हर घोषणा में 30% का खेल पक्का है। चुनाव आखिरी दौर में था, मतदान की तारीख दहलीज पर थी। अब कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी उम्मीद राजधानी रायपुर को तो नहीं थी। प्रचार के दौरान पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल पर हमला हो गया। इसके बाद बयानों के ऐसे बम चले जिनकी धमक पूरे छत्तीसगढ़ में सुनाई दी। जब हम बैद्यनाथ पारा के मदरसा चौक पर पहुंचे तो वहां पर 20-25 लड़के खड़े हुए थे। मैंने हाथ जोड़कर कहा कमलपुर में वोट कीजिए, तो मेरी कालर पकड़ी गई, मुझे मारने की कोशिश की गई। कार्यकर्ताओं ने और मेरे सुरक्षा कर्मियों ने मुझे बचा लिया और मदरसे में मुझे संरक्षण मिला। जब मैं मदरसे में जाकर बैठ गया तो मेरी जान बची है और मदरसे में मेरी जीत के लिए दुआ भी की गई। राजधानी में यह हालत है कि विधानसभा के प्रत्याशी सबसे सीनियर विधायक रायपुर का विधायक ब्रजमोहन के ऊपर जिस प्रकार से आक्रमण हो सकता है, तो कानून व्यवस्था की स्थिति कितनी चौपट हो गई है और किस प्रकार हार के डर से भूपेश बघेल और उनके कार्यकर्ता गुंडागर्दी पे उतारू हो गए हैं, ये दिखता है।
भाई जिससे उस समय याद करो 2000 में नरेंद्र मोदी जी पर्यवेक्षक के रूप में आए थे और ब्रिजमोहन अग्रवाल एकात्म परिसर में जो गुंडागर्दी किए तो नरेंद्र मोदी जी को टेबल में घुस के छुपना पड़ा था। उसे ब्रिजमोहन अग्रवाल को कौन गुंडागर्दी करेगा उसके साथ? अरे चलो कहाँ बात करने लगे, ब्रिजमोहन अग्रवाल से सब डरते हैं भैया, नरेंद्र मोदी जी टेबल के अंदर छुपे थे याद है, उसको कौन उसके साथ हमला करेगा? ये प्रायोजित है सर। ऐसा नहीं है कि हमले हमेशा तीखे ही हुए हों, व्यंग और काव्य में पिरोकर तैयार किए गए तीर भी खूब चले। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कुशासन में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है, कोई वर्ग नहीं है जिला भारतीय जनता पार्टी के सरकार आप लोग ठगे नहीं हुई। एक लाइन में कहा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको रमन सिंह ने ठगा नहीं। आज भूपेश बघेल भाग रहे हैं, रिपोर्ट कार्ड रखने से भी, घोटालों की जान से भी। भाग भूपेश भाग, भाग भूपेश भाग। कितना भागोगे ये छत्तीसगढ़ की जनता पूछ रही है 5 साल के बाद। कि बहुत हुआ सट्टे का खेल, बाय बाय भूपेश बघेल। बयानों के बाण चले तो सियासत के तीरंदाजों ने तीर भी खूब दागे, कभी तीर सीधा निशाने पर लगा तो कुछ चूक गए लेकिन काम कर गए। हर तरफ से बयानों की बारिश हुई और बयानी तीरों के रंगों से सियासत का आसमान रंगीन होता रहा। खैर बोल होते ही ऐसे हैं जो बिना घायल किए ही घाव दे जाते हैं, ये बयान ही तो चुनाव की रंगत बढ़ाते हैं और छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही हुआ। चुनाव तो हो गया लेकिन ये बयान ही है जो चुनाव को हमेशा यादों के तौर पर जहन में जिंदा रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज़।